दोस्तों क्या आपको पता है आज की डेट में जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका मोबाइल नंबर है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका ईमेल आईडी है। चाहे वो बैंक के काम हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, आपको हर जगह एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी क्वेरीज देखी जहाँ पर लोगों को ये नहीं पता था कि वो ईमेल आईडी कैसे बनाए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी आपका अपना ईमेल आईडी होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके उसे ऑन करें जिससे जब भी डिस्कवर विद मयंक पे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं जाऊंगा अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। आप लोग अपनी स्क्रीन पे मेरा स्मार्टफोन देख सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स फॉलो करेंगे और आज आपका जीमेल आईडी बनवाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन ढूंढनी है जिसका नाम होता है जीमेल। ये हर फ़ोन में एक इनबिल्ट एप्लीकेशन पहले से ही आपको मिलेगी। जीमेल मेरे पास बहुत सारे ईमेल आईडी पहले ही मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन पे। तो आपको जब आप ईमेल आपके इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, इस एप्लीकेशन को खोलने के बाद आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपके फ़ोन पे दिखेगी। हम बना रहे हैं जीमेल का अकाउंट तो हम क्लिक करेंगे गूगल पे। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक नए पेज पे लेके जाएगा। नए पेज पे ले जाने के बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हम एक नया ईमेल आईडी बना रहे हैं तो हमें क्लिक करना होगा क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा फॉर माई सेल्फ, क्योंकि हम अपने लिए इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। बनाने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा पहले वाले बॉक्स में, सेकेंड वाले में आपको अपना लास्ट नेम लिखना होगा जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ सही डालिएगा, क्योंकि कभी भी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ ही आपकी हेल्प करती है आपके पासवर्ड को रिकवर करने में। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना जेंडर। अगर आप मेल हैं तो मेल करिए, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना यूज़र नेम। यूज़र नेम वो होता है जैसे कि अगर आपका नाम है मयंक और लास्ट नेम है चौधरी तो mayankchaudhary@gmail.com आप ये रख सकते हैं। तो हम पहले ये डाल के देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन यूज़ करके देख सकते हैं। अगर वो अवेलेबल होगा तो गूगल आपको बताएगा अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे इसने बताया कि ये अवेलेबल नहीं है तो इसने मुझे बताया कि आप दूसरा वाला ऑप्शन लेके देख सकते हैं। तो हम इसके कहने पर वही वाला ऑप्शन लेके रख सकते हैं। आप एक ऐसा यूज़र नेम रखिएगा जो ईजी हो और आप उसे ईजीली याद कर पाएँ। तो हमने ये आपके लिए रखा है। फिर आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड में आप अपना फ़ोन नंबर, अपने घर का एड्रेस या जो भी पासवर्ड आप दूसरी चीज़ों के लिए रखते हैं वो रख सकते हैं, बट मेक श्योर करिएगा वो पासवर्ड किसी को ना बताएं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक टेस्ट अकाउंट है। तो इसने बताया कि ये पासवर्ड बहुत ही ईजीली क्रैक हो सकता है तो आपको स्ट्रॉन्गर पासवर्ड रखना होगा। तो हम कुछ और पासवर्ड इसके अंदर ट्राई करते हैं। अब प्लीज़ ये पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। इसके बाद आपसे ही गूगल ये पूछेगा कन्फर्म दैट यू आर नॉट अ रोबोट। बहुत सारे लोग स्पैम अकाउंट्स भी बनाते हैं तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि ये मैं ही हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको ये बताना होगा गूगल को कि यस गूगल, ये मैं ही हूँ यहाँ पे। तो OTP आने के बाद आपको यहाँ पे OTP डालना है। गूगल वेरीफाई करेगा कि आप ये जो अकाउंट का असली ओनर है उसके जो मोबाइल नंबर है वो मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे करना है येस आई एम इन। और ये इसने मुझे बताया कि यहाँ पे और भी बहुत सारे आपके अकाउंट हैं तो मैं आप जब बनाएंगे तो अगर आपके मोबाइल से और भी अकाउंट लिंक्ड होंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर आप एक फ्रेश मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सीधा आपके ईमेल आईडी पे ले जाएगा। अब मेरे पास पहले से इस फ़ोन नंबर पे एक ईमेल आईडी है तो मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट पर। न्यू अकाउंट बनाने के बाद उसने मुझे बोला रिव्यू करें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो गूगल के हैं। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद आपको सीधा का सीधा ये आपके ईमेल आईडी पे ले जाएगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक नया ईमेल आईडी बन चुका है। और ईमेल आईडी बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप का आपका स्क्रीन दिखेगा।
गूगल की तरफ से, गूगल की कम्युनिटी टीम आपको एक ईमेल आईडी भेजेगी। तो दोस्तों अब आपका ईमेल आईडी बनके तैयार हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन इजी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप भी अपना ईमेल आईडी कुछ ही चंद मिनटों में बना सकते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी बनाने के बाद एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहली चीज़, जो भी ईमेल आईडी आपने बनाया है उसको कहीं कागज़ पे लिख के रखें जिससे आप उसे याद रख पाएँ। पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि पासवर्ड अगर आपका शेयर हो गया तो कोई भी आदमी आपका ईमेल अकाउंट हैक करके किसी को भी ईमेल भेज सकता है। और इस ईमेल आईडी को जहां पे भी ज़रूरत है, आपके बैंक में, पैन कार्ड में, हर जगह पे अपडेट करें, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसीज़ हैं जो अब ईमेल से ही कम्युनिकेट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका ईमेल आईडी बन गया है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।